एक समय की बात है, अहिल्या अपने पति की मौत के बाद अपने दो प्यारे बच्चे मल्हार और कल्याणी के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी, जो कि दूध बेचकर अपना घर संभालती थी। वहीं कल्याणी और मल्हार दोनों बहन भाई खेती बाड़ी पर ध्यान देते थे। इसी तरह तीनों एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन जब अहिल्या सोकर उठती है और चलने की कोशिश करती है, तभी उसके पैर अकड़ जाते हैं, जिससे अहिल्या को तुरंत पता चलता है कि उसका शरीर पैरालाइज्ड हो गया है। तभी वो तेज आवाज़ देकर अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बच्चों, मेरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया है, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती, मेरा तो हाथ उठाना और चलना भी मुश्किल हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, घर की जिम्मेदारियाँ कैसे संभलेंगी। मल्हार और कल्याणी कहते हैं, अरे माँ, आप परेशान मत होइए, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे चिंता करेंगी तो कैसे चलेगा। और इसी तरह मल्हार और कल्याणी अपनी माँ को गले लगाते हैं और फुसक फुसक कर रोने लगते हैं। तभी मल्हार रूम से बाहर जाता है और कल्याणी को भी अपने पास बुला लेता है और उससे कहता है कि देखो कल्याणी, माँ के बाद घर की सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर ही है, अगर दूध नहीं बेचेंगे तो घर तो चलेगा ही नहीं, इसलिए हमें ही दूध बेचना होगा। हम आज तक सिर्फ खेती बाड़ी का काम संभालते आए हैं, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ मल्हार कल्याणी से कहता है कि हम दूध तो बेचेंगे, पर इस बारे में मम्मी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी कल्याणी कहती है कि ठीक है भाई, हम अपनी जिम्मेदारियां जरूर निभाएंगे। इसी तरह अगला दिन आता है। अगले दिन दोनों बहन भाई सुबह जल्दी उठते हैं और साथ मिलकर दूध बेचने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। कल्याणी और मल्हार ने दूध बेचने के मामले में अपनी माँ से भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी। पहले तो सुबह के टाइम सभी लोग उनके घर दूध लेने आया करते और शाम के वक्त कल्याणी अपना घर संभालती और मल्हार लोगों के घर दूध बेचने चला जाया करता था। इसी तरह उनके पास काफ़ी पैसे भी आ गए थे। तभी मल्हार कल्याणी से कहता है कि हमने जितनी मेहनत की है उसका फल भी मिल गया है, देखो कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब हम माँ का इलाज अच्छे से करवा सकते हैं। इसी तरह वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में अहिल्या का इलाज काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलता है और कुछ दिनों बाद ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब अहिल्या पैरालाइज्ड से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। तभी अहिल्या अपने दोनों बच्चे से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर मेरे पीठ पीछे घर की जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई हैं, लेकिन जिस तरह से भी संभाली हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, शाबाश मेरे बच्चों। और यही कहकर वो दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कल्याणी और मल्हार की तरह आप अपने घर की कौन सी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।